Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine and safe. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी जो कि 100% ऑनेस्ट होगा, विच इज अगेन वेरी ट्रेंडी एंड पॉपुलर इंग्रेडिएंट. द ऑर्डिनरी का नियासिनेमाइड सीरम, विच इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B3. अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है तो अभी तक कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है प्रोडक्ट, और इसके काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छे भी और काफ़ी बुरे भी हैं. तो मैं आप लोगों के साथ अपने रिव्यू शेयर करूँगी. आई हैव नेवर यूज़ एनी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, तो ये मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट थी जो मैंने ऑर्डिनरी की यूज़ की. तो इसके रिव्यूज़ क्या हैं वो तो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ. आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि हम लोग नियासिनेमाइड को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कब कब अप्लाई कर सकते हैं, और एक्चुअली में नियासिनेमाइड के हमारे स्किन पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं. तो ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी. इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है. सबसे पहले बात कर ली जाए इसकी पैकेजिंग की, तो इसके ऊपर इसके इन्ग्रीडियंट्स मेंशन है, और दूसरी साइड पर इसकी डायरेक्शन बताई गई है कि आपने इसको किस टाइम और किस तरह से अप्लाई करना है. एंड जब भी कोई आप लोग न्यू प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हो तो उसका पैच टेस्ट लाजमी कर लिया करो. मैंने 30 ml वाली बॉटल परचेज़ की थी और इसकी प्राइस 1900 थी. मैंने सेल में से ऑर्डर की थी, आपको जो है 2500 तक ईजीली मिल जाएगा. पर जब भी आप लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑर्डर करने लगो तो आप लोग उसकी वेबसाइट जो है ऑथेंटिक चूज़ किया करो. जहाँ से भी आप लोग ऑर्डर करो मेक श्योर कर लिया करो कि इधर की जो चीज़ है वो ओरिजिनल ही आती है. ऑलमोस्ट जितनी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स होती है ना, उसमें नियासिनेमाइड 1 या 2% इंक्लूड होता है, पर इसमें 10% जो है नियासिनेमाइड इंक्लूडेड है और 1% जो है जिंक इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं. मैं इसको 14 डेज से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब 2 वीक से ज़्यादा हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए. नियासिनेमाइड आपकी स्किन को स्मूथ करता है, और अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी है तो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, और आपके पोर्स मिनिमाइज करता है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके फेस पर ही ऑयल कंट्रोल करता है. अगर बात कर ली जाए कि इसको अप्लाई कितनी दफ़ा करना है दिन में और किस तरह से करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. आप लोग इसको डे टाइम में और नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो. इसको अप्लाई करने से पहले आप लोग फेस वॉश अच्छे से कर लीजिएगा, अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिएगा. हम लोगों ने इसके सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं. इसका ड्रॉपर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप लोग देख सकते हैं. जेंटली आप लोगों ने अपने फेस और नेक एरिया पर इसको अप्लाई कर लेना है, और इसके बाद आप लोगों ने विटामिन सी यूज़ नहीं करना है. हमेशा जब भी हम लोग अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो हम लोगों का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो फेस वॉश या क्लिनजिंग करना ही होता है. उसके बाद अगर आप लोग टोनर अप्लाई करना चाहते हो तो टोनर को अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने सीरम को यूज़ करना है. अगर टोनर नहीं भी यूज़ करते हो तो डजेंट मैटर. मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी भी एक बार दिखा देती हूँ और रिव्यूज़ भी शेयर कर देती हूँ जो मैंने इसको यूज़ करने के बाद नोटिस किए हैं. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फॉरेन स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है ये. आई हर्ड अ लॉट अबाउट दिस सीरम की एक्नी और ऑयल को कंट्रोल करता है. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्नी का इशू तो नहीं है, लेकिन मेरी स्किन पर एक आध पिंपल निकल आता है मंथ में, पर मेरी स्किन ऑयली है जिसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया था. इसको यूज़ करने से नो डाउट मेरी स्किन का टेक्स्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है. मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, पोर्स जो हैं वो मेरे मिनिमाइज़ हो गए हैं. मेरे फेस पर 3-4 एक्नी स्कार्स थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे ख़त्म हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसने ऑयल तो कंट्रोल नहीं किया है, मतलब मुझे उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है. मे बी मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करूँ तो फ़र्क आ जाए, मतलब 3-4 महीने यूज़ करूँ तो फ़र्क आ जाए. बस इसका यही मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा है, मे बी मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँ तो हो जाए ठीक. बाकी ओवरऑल मेरा स्किन टेक्सचर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूव हुआ और पोर्स मिनिमाइज हुए. सो यस, आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो गो फॉर इट. बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि वेबसाइट जो है वो ओरिजिनल हो जिधर से आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं.
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।